नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और एसपी के बीच नहीं होगा गठबंधन। एसपी नेता नरेश अग्रवाल का बयान, कांग्रेस की जिद से नहीं बन पाई बात। एसपी ने दिया था 100 सीटों का ऑफर, लेकिन 120 पर अड़ी कांग्रेस। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका। बीएसपी में शामिल हुए एसपी के कद्दावर नेता अंबिका चौधरी, मायावती का एसपी पर निशाना, पुत्र मुंह में अंधे हुए मुलायम। मनमोहन वैद्य के बाद अब उनके पिता एमजी वैद्य का बयान, कहा एससी एसटी के अलावा बाकी जातियों को मिले आरक्षण की होनी चाहिए समीक्षा। मायावती ने साधा निशाना, कहा आरक्षण दलितों का संवैधानिक हक, कोई नहीं छीन सकता। पाकिस्तान ने भारतीय जवान चंदू चौहान को किया रिहा। वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत भेजे गए, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद गलती से सीमा पार कर गए थे चंदू। शराबबंदी के समर्थन में बिहार में बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला। 11,290 किलोमीटर लंबी श्रृंखला में 2 करोड़ लोगों के शामिल होने का दावा। सीएम नीतीश समेत कई नेता हुए शामिल। और पाकिस्तान का पेशावर शहर फिर धमाकों से दहला। पारा चिनार के स्थानीय बाजार को आईईडी से बनाया निशाना। हमले में 21 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा जख्मी। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।